हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल gabostore.com। सो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे मिनी बैंक। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास कई तरह के डिजाइन के मिनी बैंक है, जिसे स्कूल बैग की तरह डिजाइन किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें एवेंजर्स एडिशन अवेलेबल है, मिकी माउस एडिशन अवेलेबल है, ऑल अदर्स काफी सारे और भी डिजाइन इसमें अवेलेबल है, जिसमें से हमने चूज किया है हेलो किटी के डिजाइन को अनबॉक्सिंग करने के लिए। सो इसमें देख सकते हैं आप, इसकी पैकिंग तो काफी अच्छी पैकिंग है और काफी मजबूत पैकिंग भी है, आप देख सकते हैं। और ये जो डिजाइन बनाया गया है, इसे हम इंडोर आउटडोर के लिए भी बच्चे कैरी कर सकते हैं। 3+ एजेस के बच्चों के लिए ये बनाया गया है मिनी बैग। इसमें कई तरह के फीचर्स हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है साउंड्स, रोल मनी, फिंगरप्रिंट अनलॉक। वाओ, इसमें एक चीज नई दी गई है जो आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफी ज्यादा मायने रखती है। इसमें फिंगरप्रिंट अनलॉक है और इसमें म्यूजिक भी है, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ इसके यूजर गाइड्स दिए हैं। जैसा कि यहाँ पे स्टेप 1 है, ओपन द पासवर्ड कवर, ये पासवर्ड कवर हमें ओपन करना है। और स्टेप 2 है इनपुट करेक्ट पासवर्ड, ओरिजिनल पासवर्ड जो इसका है वो 000 है, तो ये 3 और ये 000 क्लिक करके हमें स्टेप 3 पर जाना है और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर को अनलॉक करना है। जैसे ही आप फिंगरप्रिंट सेंसर फिंगरप्रिंट रखते हैं सेंसर्स पर, वैसे ही इसका स्टोरेज ड्रॉअर ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो आप देख सकते हैं ये काफ़ी बेहतरीन डिजाइन दिख रहा है मुझे, पैकिंग तो काफ़ी अच्छी है। चलिए अब इसे अनबॉक्स करके देखते हैं और देखते हैं इसके फीचर्स, इसकी क्वालिटी और इसके कलर्स को, ये जिस तरह से बॉक्स पे दिया गया है क्या उसी तरह से है या नहीं। सो इसे अनबॉक्स करते हैं, लेट्स गो। सो जैसा कि देख सकते हैं हमने इसे अनबॉक्स कर लिया है, जिसमें हमें मिलता है यूजर गाइड, इस तरह से इसे स्कूल बैग की तरह बनाया गया है, तो ये स्ट्रिप भी काफ़ी मायने रखती है इसमें। और इसकी पैकिंग तो काफ़ी अच्छी तरह से इसे पैक किया गया है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे लॉक दिया हुआ है पैकिंग्स में, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है आप तक सेफली डिलीवर हो सके और ये अच्छी तरीके से इसमें सेफ रह सके इस बॉक्स में। सो नाउ अब हम इसे अनबॉक्स करेंगे, इस लॉक को अनलॉक करेंगे। लॉक को निकाल दिया है, आप देख सकते हैं हमने अपना मिनी बैंक को निकाल दिया है और देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, इसके प्रोडक्ट्स जो क्वालिटी है, कलर है काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी है, काफ़ी बेहतरीन कलर भी है हेलो किटी का, पर्पल एंड पिंक कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी जच रहा है इस पर, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से है। और जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर इसका लॉक पिन दिया हुआ है आप देख सकते हैं, और यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, ये ड्रॉअर है जो कि हमें अनलॉक करने के लिए यहाँ पे इसका पासवर्ड और फिंगरप्रिंट लगाना होगा, तो ये ऑटोमेटिकली ओपन होगा। सो उससे पहले हम इसमें देखते हैं कि बैटरी को कहाँ लगाना है, यहाँ ये बैटरी सेक्शन दिया हुआ है, सो हम सबसे पहले इसमें बैटरी लगा लेंगे। साइड पे हमें ये स्ट्रिप लगाना है, स्ट्रिप की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, मुझे तो काफ़ी पसंद आई, आप देख सकते हैं कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मजबूत क्वालिटी है इसकी। नाउ अब ये हमारा मिनी बैंक पूरी तरह से रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं ये स्कूल बैग की तरह इसे डिजाइन किया गया है, ताकि बच्चे इसे इंडोर और आउटडोर के लिए ले जा सके बड़ी ही आसानी से। सो नाउ अब हम देखेंगे इसकी म्यूजिक क्वालिटी और इसकी लॉक पासवर्ड लॉक्स के जो फंक्शंस है वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। सो हम सबसे पहले इसमें कुछ रियल नोट्स डिपॉजिट करके देखेंगे कि ये किस तरह से इन नोट्स को एक्सेप्ट करता है।
हमने यहाँ पे 10s के नोट लिया है, 100 के नोट लिए हैं और 500 के नोट लिए हैं, जैसा आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ट्राई करेंगे 10 rupees की नोट को डाल के। ओह वाओ, काफी बेहतरीन इसका रोल है जो बहुत ही स्पीड से नोट को एक्सेप्ट करता है। आप देख सकते हैं कितनी फास्ट ये एक्सेप्ट करता है। चलिए इसमें 100 की नोट डाल के हम देखते हैं। ग्रेट, काफी अच्छी क्वालिटी है और ये म्यूजिक के साथ इसे अंदर लेता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही हम डिपॉजिट कर रहे हैं यहाँ पर ग्रीन लाइट्स जल रही है और हम इसमें 100 की ओल्ड नोट्स भी डाल के देखेंगे। काफी अच्छी तरीके से ये नोट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, काफी फास्ट और सुपर क्वालिटी के साथ ये एक्सेप्ट कर रहा है नोट्स को। सो नाउ आप हमने इसमें हमारे नोट्स को डिपॉजिट कर दिया है। सो अब हम इसमें विड्रॉ करके देखेंगे कि किस तरह से इसमें हम अपने नोट्स को निकाल सकते हैं। सो नाउ अब हम इसमें सबसे पहले इसके फ्लैप्स को ओपन करेंगे और जैसा कि बॉक्स पे पासवर्ड दिया गया था 3x0 में प्रेस करना है 1, 2, 3। अब नाउ हम यहाँ पे हमारा फिंगरप्रिंट रखेंगे और ये ग्रेट यार, क्या इसकी क्वालिटी है, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी है। जैसे ही हमने फिंगरप्रिंट अपना रखा सेंसर पे, वैसे ही ये ड्रॉअर ओपन हो गया। काफ़ी स्पीड है इसमें, काफ़ी अच्छी, और आप देख सकते हैं आप कि हमारी नोट्स भी जो है काफ़ी सेफ तरीके से इसमें सेफ है, काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें सेफ है। आप देख सकते हैं ये सुपर यार, हमारी नोट्स किसी भी तरह से कोई डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं ये बैक प्लेट डोर में काफ़ी स्पेस है, काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें। और एक और चीज़ यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जैसा कि ये ड्रॉअर जब तक ये ओपन रहता है ये रेड लाइट हमें वार्निंग देता रहेगा, बीप करता रहेगा कि हम इसे जल्द से जल्द बंद कर दें। आप देख सकते हैं एवरी 5 to 10 seconds के अंदर ये हमें वार्निंग देता है और रेड लाइट को ब्लिंक करता है म्यूजिक के साथ कि हम इसे बंद कर सकें। सो नाउ एक और वेट करेंगे वार्निंग का, कब हम बंद करेंगे इसे। सो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, अब हमें वार्निंग मिल गई है। सो अब इसे बंद कर देते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी है इसकी, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन भी है, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। इसमें काफ़ी सारे वेरियंट्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं एवेंजर एडिशन के हैं, मिकी माउस एडिशन है, बाबी डोल एडिशन है और वॉल सरप्राइज के भी फुल डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल है। आप किसी भी डिज़ाइन को आप परचेस कर सकते हैं। मुझे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी बेहतरीन लगा, काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आपको प्रोडक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो प्लीज़ गो एंड चेक इन आउट और बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।